देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का गुस्सा नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों छात्रों ने कैंपस के अंदर हाथों में मशाल लेकर यूनिवर्सिटी सर्कल तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। इस दौरान केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में छात्र जमकर नारे लगाते देखे गए। इसी बीच छात्रों का नागरिक संशोधन कानून के विरोध में एक आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो सामने आया है। जिसमें छात्र ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। इस वीडियो के सामने आने के बाद वीडियो की जांच के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, अभी मीडिया के द्वारा जो है एक वीडियो संज्ञान में लाया गया था, जिसमें हिंदुत्व इत्यादि की कब्र खुदेगी इस तरह के संबंध में जो है एक स्टेटमेंट देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो अभी जैसा प्राइम एफ एसी जानकारी की गई तो 3-4 दिन पुराना है, फिर भी इसमें जो है तत्काल SHO सिविल लाइन को FIR करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें आइडेंटिफिकेशन की जाएगी वीडियो पर। अगर आइडेंटिफाई होते हैं उसके बेसिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये AMU से संबंधित बताया जा रहा है, लेकिन इसमें साक्ष्य संकलन किया जाएगा और साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मतलब किस चीज़ को लेकर के इसमें हिंदुत्व इत्यादि शब्दों को का प्रयोग करके उसको लेके जो है ऐसी बात की जा रही है, जिसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें जो है इस संबंध में जो जाँच प्रॉपरली FIR करके उसके बाद जो साक्ष्य संकलन किया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, इस वीडियो के सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही साथ AMU के स्टूडेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ये लोग पुलिस लाइन में ही नारेबाजी करते हुए SSP आवास तक जा पहुंचे, जहां मौजूद सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने उनको समझा बुझा कर वहां से वापस किया। वहीं डिप्टी SP ने इस पर कहा है कि अज्ञात लोगों के विरुद्ध आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संपूर्ण प्रकरण आप सभी के संज्ञान में है। वहाँ बेहद ही शर्मनाक एक कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने एक संवैधानिक तरीके से विरोध करते तो ठीक था, लेकिन उस विरोध में उन्होंने हिंदुत्व मुर्दाबाद के जो नारे लगाए, हिंदुत्व की कब्र खोदने के जो नारे लगाए, वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। हम यहाँ सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से आए, हमारी मांग है कप्तान साहब से यहाँ मिलने आए, ऐसे लोगों को चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिससे कि शहर का माहौल ना बिगड़े और यहाँ एक शांति की स्थापना हो सके। क्या मांग? हमारी मांग यही है, जो भी हिंदुत्व को मुर्दाबाद कहने वाले, हिंदुत्व की कब्र खोदने वाले और वीर सावरकर जैसे महान योद्धा को, महान क्रांतिकारी, महान दार्शनिक, महान विचारक को उन्होंने जहां कब्र खोदने की बात कही है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर शीघ्र से, मतलब बहुत जल्दी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें जेल भेजा जाए। ठीक। इस मामले में FIR आपने करी? नहीं, प्रशासन की ओर से FIR की गई है, जो कि अभी हमें दिखाई भी गई थी, उससे कहीं ना कहीं हम संतुष्ट हैं और आशा करते हैं प्रशासन बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी करे। हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन में AMU के छात्रों का कहना है कि इस बिल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत हाल में इस बिल को स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं छात्रों का कहना है कि वो दिल्ली जाकर सांसदों से मिलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार द्वारा पारित कराए गए नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, UP तक।